सीकर नगर परिषद की 65 सीटों में से 37 सीटें जीतकर कांग्रेस बोर्ड बनाने का दावा कर रही है। सीकर के प्रत्याशी के रूप में जीवन खां ने सभापति पद के लिए अपना नामांकन भरा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पद पर अशोक चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है, नीम का थाना में भी कांग्रेस का बोर्ड बन रहा है। इस प्रकार पूरे राजस्थान में हम 20 नगर निकाय नगर निगमों में हमारा बोर्ड बना रहे हैं। बीजेपी केवल 6 में आई है, तो हमने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका दिया है। गहलोत सरकार ने, सचिन पायलट साहब ने मिलके निगम के चुनावों के अंदर बहुत मेहनत की। तो नामांकन मेरा नहीं है, ये नामांकन शहर के 1,70,000 मतदाताओं का और 3 लाख की पॉपुलेशन का नामांकन है। और ये आज कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत के आई, इसका मेन कारण उद्देश्य ये है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और हमारे वरिष्ठ जन कांग्रेस और विशेषकर हमारे परम सम्मानीय राजेंद्र जी पारिक साहब के कार्य कुशलता और उनके दृढ़ निश्चय के और के विश्वास के ऊपर ये कांग्रेस पार्टी आज निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत करके आई है।